मेरा नाम भागवत पुलके है, मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं प्राचार्य इस पद से अभी अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ। 2011-12 में मुझे मेरे दांत में दर्द शुरू हुआ। ब्रश करते समय बहुत ही तीव्र दर्द मुझे होता था। ये दर्द इतना होता था कि मैं ब्रश करना टालता था। मुझे यह दांत का दर्द मालूम हुआ, इसलिए मैं एक डेंटिस्ट के पास गया। उन्होंने मुझे मेरे दाएं तरफ के 4 दांतों का रूट कैनल करने की सलाह दी। मैंने 4 दांतों का धीरे धीरे करके रूट कैनल करवा लिया, लेकिन यह करने के बावजूद मुझे कोई आराम नहीं मिला। कुछ दिनों बाद यह दर्द दांत से नाक तक पहुंच गया। अगर मैं नाक को छूता तो जिस प्रकार बिजली गिरती है उस प्रकार का करंट एकदम से उठता था। यह दर्द मुझे इतना असह्य हो गया था कि मैं बात नहीं कर पाता था, कुछ खा नहीं पाता था। मैं ये मेरा दर्द दूसरों को बता भी नहीं पाता था। आखिर न रहते मैंने मेरी बीवी को और बेटे को मेरे इस दर्द के बारे में बताया, और एक डेंटिस्ट को दिखाने के बाद उनकी भी यही राय आई कि मेरे दांतों में किसी भी प्रकार की कोई खामी नहीं है। उन्होंने मुझे वापस पहले डॉक्टर के पास भेजा। फिर मैं वापस ENT और डेंटिस्ट के पास गया और मेरी परेशानी मैंने कथन की। उन दोनों ने मुझे न्यूरोसाइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया। उनकी भी मैंने 11 महीनों तक दवाइयाँ ली, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। उल्टा मैं ज़्यादा स्थूल हो गया और मेरा दर्द बढ़ता ही गया। उसके बाद उस डॉक्टर ने मुझे और डॉक्टर के पास भेज दिया। हमारे यहाँ के लोकल न्यूरोसर्जन के पास मैं दिखाने के लिए चला गया। उन्होंने मुझे कहा कि कुछ बैलेंस का गड़बड़ है और कुछ दवाइयाँ दे दी। ये दवाइयाँ भी मैंने 6 महीनों तक खाई, फिर भी मुझे उसका कोई असर नहीं हुआ। घर में कमाने वाला मैं अकेला इंसान था, इसलिए मेरे बेटे और मेरी पत्नी ने इस बीमारी के ऊपर और कोई इलाज हो सकता है क्या, दूसरा कोई हल मिल सकता है क्या, ये खोजना शुरू किया। न्यूज़पेपर में ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया इस नाम की बीमारी के ऊपर एक लेख छपा था, वह उन दोनों ने पढ़ा। उसमें एक महिला जो इस बीमारी से 17 साल पीड़ित थी, उसका अनुभव लिखा था। उसके लक्षण मेरे लक्षण से मिलते जुलते थे। तो 2015 साल में हम उस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने कहा कि मेरे एक नस ब्रेन में दबी हुई है और इस वजह से मुझे ये तकलीफ हो रही है। इसके इलाज के लिए आपको RFLG करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बिना वक्त गवाए वह करवा लिया। लेकिन फिर भी 16, 17, 18 और 19 सालों में बीच बीच में ये दर्द उठता था। दवाई लेता था तो कुछ देर आराम मिलता था, लेकिन मेरी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। उस दरमियाँ प्राचार्य होने के नाते मुझे मीटिंग लेना, अपने अन्य टीचरों से बात करना, यह सारे काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर भी भगवान को स्मरण कर मैं ये काम जैसे तैसे करता था। 2016 में मैं सेवानिवृत्त हो गया और मेरी गांव में खेती है वह करने के लिए गांव चला गया। लेकिन 2020 में मुझे इतनी तकलीफ हुई कि 1.5 महीने तक मैं ठीक से कुछ खा नहीं पाया, बोल नहीं पाया। हल्का सा भी अगर चेहरे को छू दूँ तो इतना दर्द उठता था और ये करंट 12-13 घंटों तक ऐसे ही रहता था। मेरे नाक से या फिर दांतों से रोज़ ये दर्द शुरू होता था और पूरे एक तरफ के चेहरे पर फैल जाता था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। अगर मैंने ये दवाइयाँ चालू रखी तो इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये मुझे और मेरे बेटे को मालूम था, क्योंकि मैं 7-8 सालों से लगातार ये दवाइयाँ खा रहा था। इस वजह से हम लोगों ने वापस RFLG का ऑपरेशन करवा लिया, लेकिन उसका उल्टा परिणाम हुआ और मेरा दर्द इतना बढ़ गया कि घर के सारे लोग एकदम हदबद हो गए। मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरी पत्नी भी जानकारी रखने वाली है, तो इन्होंने यूट्यूब पर डॉक्टर जयदेव पंचवाघ जी का वीडियो देखा। 5-6 वीडियो देखने के बाद उनको भरोसा आ गया कि ये डॉक्टर मेरे पिताजी की इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हम लोगों ने तुरंत उनसे संपर्क किया और 28 दिसंबर को मेरा यह MVD ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होके आज 14 दिन पूरे हो चुके हैं। ऑपरेशन खत्म होते ही जब मैं होश में आया, तब से आज तक मेरे दर्द से मुझे पूरी तरह से छुटकारा मिल गया है। मुझे अब थोड़ा भी दर्द नहीं होता। इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ये भरोसा है कि मैं इस बीमारी से पूरी तरह से बाहर आ गया हूँ। अगर भगवान ने मुझसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो मैं उन्हें कहूँगा कि ये बीमारी किसी को भी ना दे, और अगर किसी को ये बीमारी होती भी है
तो उस व्यक्ति ने तुरंत ही यहाँ पर डॉक्टर जयदेव जी से संपर्क कर इलाज करवा लेना चाहिए ताकि उनको मेरी मुश्किलों से ना गुजरना पड़े। आप अगर जल्दी आ गए तो आप जल्दी इस बीमारी से निजात पाकर अपनी ज़िंदगी पूर्ववत बना सकते हैं और खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। धन्यवाद।